हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मेरा नाम है इरफान। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इस कोट का बैक, फ्रंट और साइड पीस कट करना बताया था। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका स्लीव, बाजू का कटिंग करना बता रहा हूं। तो इस तरह से एक स्ट्रेट मार्क लगा लेंगे, फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। मेजरमेंट टेप को इस मार्क में ऐसे रखना है। और इसका फ्रंट और बैक में हमने शोल्डर डाउन किया था 2 इंच, तो यहाँ भी शोल्डर डाउन 2 इंच। चेस्ट है 44, 44 इंच। 44 को 6 से डिवाइड करेंगे, छठा हिस्सा करेंगे, तो 7.5 इंच। और यहाँ से 1 इंच ऊपर एक मार्क लगाएंगे। स्लीव का लंबाई है 25 इंच, 25, और प्लस 1 इंच 26, 26 इंच। अब ये सेम टू सेम मार्क लगाकर मार्क स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से 1 इंच 1 इंच पे एक मार्क लगाना है और इस मार्क को स्ट्रेट कर लेना है। और अब इस वाले मार्क से 1.5 इंच पे मार्क लगाना है, 1.5 इंच। यहाँ भी 1.5 इंच 1.5 इंच। बैक और फ्रंट में हमने आर्म होल डाउन किया है 10 इंच 10 इंच, तो 1/2 इंच प्लस करके आधा इंच ऐड करके यहाँ से ऐसे मार्क लगाएंगे। तो आर्म होल डाउन 10 इंच था, तो 10 और आधा इंच प्लस 10.5 इंच 10.5 इंच। इसको ऐसे 1/2 कर लेंगे, एक 20 सेंटर लगा लेंगे और इस मार्क को यहाँ भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ इस वाले मार्क को 1/2 कर लेंगे, इसका एक बीच सेंटर लगा लेंगे। और यहाँ से एक ऐसे शेप कर देंगे, गोलाई कर देंगे। यहाँ हम मोहरी बॉटम का मार्क लगाएंगे। इसका बॉटम का विड्थ है 11 इंच 11 इंच, तो 11 का 1/2 करेंगे तो ये होता है 5.5 इंच 5.5 इंच। जितना भी मोहरी हो, बॉटम का गोलाई हो, उसको 1/2 कर लेना है। तो ये 5.5 और प्लस 3/4 1/4 इंच मार्जिन, ये मार्जिन ताल पीस के लिए है। यहाँ से आधा इंच नीचे डाउन करेंगे और यहाँ से आधा इंच ऊपर अप करेंगे। अब इसमें हम बॉटम में मार्जिन रखेंगे 2.5 इंच। ये मार्जिन आप कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो, मैं 2.5 इंच रख रहा हूँ।
अब यहाँ से स्ट्रेट मार्क लगाएंगे, फैब्रिक को बिल्कुल सीधा रखेंगे और इस वाले मार्क में ऊपर का पॉइंट और यहाँ नीचे बॉटम का पॉइंट ऐसे बराबर करके रख लेना है। और यहाँ मैं कट करना भूल गया था तो इसको कट कर देता हूँ। अब क्या करना है, इस वाले मार्क को यहाँ लेकर आना है, इसको ऐसे उठाना है और ये जो मार्क लगा हुआ है इस मार्क को ऐसे यहाँ बराबर करके रख लेना है। अब यहाँ एक मार्क लगाना है और यहाँ ये जहाँ जहाँ मैं मार्क लगा रहा हूँ आप इसको फॉलो कीजिएगा। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ हमने मार्जिंग के लिए मार्क लगाया है 3/4 पौना इंच, तो हम क्या करेंगे यहाँ 1/4 दो सूत यहाँ एक्स्ट्रा कट करेंगे तो हमारा यहाँ जो मार्जिंग होगा वो 1 इंच हो जाएगा। 1 इंच पौना इंच है तो दो सूत हमने बढ़ा दिया तो अब ये 1 इंच का मार्जिंग हो जाएगा। तो ऐसे 1/4 प्लस करके कट कर लेना है। दो सूत हमने बढ़ा के कट किया है तो यहाँ मार्जिंग के लिए मार्क लगाएंगे 1 इंच 1 इंच। यहाँ इसको हाफ एंड हाफ करना है, एक बीच सेंटर लगाना है मिडल मार्क और यहाँ से एक फिर हाफ एंड हाफ करना है, इसको भी बीच सेंटर लगा लेना है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबा के ऑल पे कर दीजिएगा।